गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद इदरीस आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ कक्षा 7 को लेकर के। और जैसा कि मैं पढ़ाने जा रहा था हिंदी व्याकरण, और जो पाठ है वो 5 है। और इस पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने पहले भाग में बहुत सारी बातों को जान गए हैं, और ये जो हमारा जो नेक्स्ट भाग है दूसरा भाग, और दूसरे भाग में हम लोग फिर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग संज्ञा के बारे में, जैसा कि किताब में ही पढ़ चुके थे, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। और हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में भी जान चुके हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी प्राणी विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष आदि का बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे उदाहरणों को भी पढ़ लिया है। और जातिवाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी प्राणी वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो हम लोगों ने आगे पाठ में पढ़ चुके हैं। और इसके अनुसार बहुत सारे उदाहरण देखे हैं बच्चों। ये आपको बताया गया था कि जातिवाचक संज्ञा को पूर्णतः दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा जो है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और इसके अंतर्गत आप जानोगे कि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। तो सबसे पहले द्रव्यवाचक के बारे में, वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी द्रव्य यानी लिक्विड, द्रव्य, धातु, पदार्थ आदि का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चे आपको मालूम ही होगा कि बहुत सारे जो चीजें जो हैं वो पिघलती है, तो द्रव्य के अनुसार है, जैसे सोना को पिघलाया जा सकता है, तो आप जानते भी हो इस चीज को। लेकिन बताया जा रहा है कि द्रव्य, धातु, पदार्थ, इसमें पदार्थ भी आते हैं, तो का बोध कराते उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, गेहूं, चावल भी खाते हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम आते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, तो समूहवाचक संज्ञा क्या है, यानी समूह में, यानी एक नहीं दो नहीं, काफी अत्यधिक मात्रा में जो उपस्थित हो, लोग उपस्थित हो या किसी चीज की उपस्थिति, वे संज्ञा शब्द जिनमें जिनसे किसी एक जाति के व्यक्तियों का वस्तु के रूप में समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, भीड़ में बहुत सारे भी लोग उपस्थित रहते हैं, तो भीड़, सेना, सभा, दल, ये सारे जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा में। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये हम लोग पढ़ लिए। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, बहुत सारे गुण हैं, आप कभी पढ़ रहे हो तो आपके अंदर बहुत सारे गुण छिपे हुए हैं। आप देखते हो कि बहुत सारे डांस इंडिया डांस में प्रोग्राम होता है, या बहुत ही बच्चे लोग जिनमें अत्यधिक गुण भरा होता है, डांस करने का गुण, नाचने का, आपको गाने गाने का गुण, कॉमिक करने का गुण, इत्यादि बहुत सारे गुण आ जाते हैं। दोष, अगर किसी प्रकार का दोष है, भाव, अवस्था, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी गुण, दोष, किसी प्रकार का दोष है यानी लंगड़ा है या कुछ भी है, भाव, बहुत सारा खुशी का भाव, दुख का भाव, अवस्था, कौन से अवस्था, किशोरावस्था या बालावस्था, और दशा, कौन से दशा में स्थिति उसकी खराब है कि सही है, तो आदि का बोध कराते उसे भाववाचक संज्ञा। जैसे दया, ममता, हंसी हंसना क्रिया हो गया, और जब दिल की लग जाता है तो वो हंसी हो जाता है। भूख, प्यास, मिठास, मानवता, ये सारे शब्द जो है भाववाचक अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, लता की सेवा से सभी प्रसन्न थे, सेवा का भाव होता है। आज के इस माहौल में जितने सारे
लोग डॉक्टर जो है, कर्मचारी जो है, साफ सफाई वाले जो है, वो अपने उनके अंदर सेवा की भावना है। अगर सेवा की भावना ना होता है तो वे अस्पतालों में नहीं जाते, साफ सफाई नहीं करते। उसे ऊंचाई से डर लगता है, तो ऊंचाई भी क्या हो गया, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया, चोर चोरी, चोरी क्या होता है, भाव को निकलता है। मैंने दीपावली पर घर की सजावट की, तो सजावट भी है भाववाचक संज्ञा करके। फलों की मिठास सबको भाती है, फलों की मिठास, फलों में कौन सा फल, आप जानते हो अभी आम का सीजन भी खत्म हो रहा है अभी, तो उसकी मिठास जो है हमें काफी अच्छी लगी है, और हम ज्यादा से ज्यादा इस बार आम भी खाए। तो मिठास जो है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा को बताता है। विशेष बातें, कुछ किताबें विशेष बातें दी गई है, उसे जानना बहुत ही जरूरी है कि भाववाचक संज्ञा प्राय एक वचन में प्रयुक्त होती है, हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होंगे, सेवा एक वचन में होगा, और उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। यानी भाव को, किसी के भाव को हम लोग सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। सत्य, क्षमा, क्रोध, दुख, प्रेम, क्रोध आदि मूल भाववाचक संज्ञा है जो एक वचन में होते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा बनाने के कुछ नियम जो है हम लोग बाद में देखेंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा के बारे में भी पढ़ा। कुछ प्रश्न मैं देता हूँ, उसे आप लिख लोगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा एवं समूहवाचक वाचक संज्ञा इसे कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे और इसका उदाहरण भी दे देंगे। और दूसरा प्रश्न, भाव वाचक संज्ञा से आप क्या समझते हो? बच्चों, यहाँ पे मैंने प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया कि भाववाचक संज्ञा से आप क्या समझते हो, तो परिभाषा ही होता है, लेकिन लिखने का तरीका कुछ अलग तरीके से लिखी नहीं, कि भाववाचक संज्ञा से हम यही समझते हैं कि जोड़ करके किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, ठीक है। इसी तरह आप इसका जवाब लिख सकते हो। बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।